Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में होने वाले आईपीएल के इस मैच के बारे में। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको इस मैच से रिलेटेड एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, एक एक छोटी से छोटी न्यूज आपको दूंगा, एक एक डिटेल आपको बताई जाएगी और उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप आज के इस मैच में भी अपनी बेस्ट फैंटेसी की टीम बना सकते हो और कल वाले मैच की तरह आज के इस मैच में भी ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। दोस्तों कल वाला मैच तो यार आपको याद ही होगा, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में था। उस मैच में भी दोस्तों अपने चैनल ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, अपने चैनल के हर एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। वन साइडेड विनिंग हमने की है। अगर किसी को उस बात का प्रूफ देखना हो, किसी को अगर देखना हो भाई की प्रूफ तो दिखाओ, तो जाके देख सकता है, ठीक है। ये जो प्रूफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसको भी जाके देखना हो वो देख सकता है। और दोस्तों देखो यार, जीत तो होनी थी, विनिंग तो होनी थी, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में एक चीज आपको क्लियरली बोली थी। देखो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कल के वीडियो में। सबसे पहली बात कि भाई मोइन अली जब बैटिंग करने आएंगे तो उनके सामने मैक्सवेल को बॉलिंग दी जाएगी और उसी ओवर में मोइन अली चलते फिरते हो लेंगे, ठीक है, हुए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको बोली थी कि मैक्सवेल की अगर आप बैटिंग देखोगे तो ये बंदा मारेगा, ठीक ठाक खेलेगा, लेकिन अपना जो विकेट है वो या तो रविंद्र जडेजा को या फिर डीजे ब्रावो को, इन दोनों में से किसी को दे देगा। सेम बात मैंने आपको दिनेश कार्तिक के लिए बोली थी कि मारेगा लेकिन अपना जो विकेट है वो डीजे ब्रावो या फिर रविंद्र जडेजा में से एक को दे देगा। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि किनको जो है इन्होंने विकेट दिए हैं, तो वो बातें अपने बीच में रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, शिवम दुबे ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि शहबाज अहमद ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। अब भाई जिस भी भाई ने वो वाला वीडियो अपना पूरा देखा था, उसने कल वाले मैच में आग लगा दी, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। और दोस्तों अगर आपको इस मैच में भी जीतना है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो देखो यार मैं आपसे कुछ ही 20-25 मिनट मांगूंगा। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देख लो, तो फिर आपको इस मैच की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको फिर कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ताकि आप इस मैच में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो कि आज के इस मैच में तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख लिया और प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन फिर क्या करोगे? क्योंकि आईपीएल तो अभी पूरा बाकी है, डेढ़ महीने का बाकी है। मैं आपको बताऊं, आगे भी अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जो काम बाकी लोगों ने किया है वो काम आपको करना है। जिसने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी दबा देना, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा, जितनी भी अपडेट आपके लिए डालूंगा, वो सारी की सारी आप तक सही सलामत पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया है, अच्छी खासी विनिंग में उन लोगों की करवा रहा हूं, आपकी भी करवाऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और दोस्तों चलो यार बात करते हैं इस मैच के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों देखो मैं आपके लिए फ्री में टीम ला रहा हूं, फ्री की वीडियोस ला रहा हूं और आपको गिव अवेज वगैरह भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेटर से बेटर टीम अच्छे से अच्छी आपकी विनिंग करवाने। तो दोस्तों सपोर्ट दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर देना यार। देखो आप वीडियो देख रहे हो, आपको सिर्फ दबाना है और लाइक हो जाएगा, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 5-6 हज़ार लाइक्स इस वीडियो पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, 5 हज़ार लाइक्स भी कंप्लीट कर दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जिस भी भाई नहीं किया हूँ वो एक सेकंड के अंदर कर देना। दोस्तों देखो इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई और पंजाब के बीच में है, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको इस मैच की पूरी कुंडली तो बता दूंगा, ठीक है, सब कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन अपनी जो फाइनल टीम होगी वो आपको इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, डेमो टीम बताऊंगा, ठीक है। फाइनल टीम क्यों नहीं, क्योंकि यार अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपनी फाइनल टीम बन ही नहीं सकती। टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है और भी कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से टीम में चेंज होते हैं, ठीक है। और वो जो अपनी फाइनल टीम आपको पता है कि आपको कहाँ मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों अपनी फाइनल टीम हमेशा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ मैं जीतता हूँ, जिस टीम से अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली खेलती है वो जीतती है, वो की वो टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो सबसे पहले इस मैच के पिच के बारे में और मौसम के बारे में। मौसम साफ रहेगा उसको छोड़ो, ठीक है, पिच देखते हैं। तो यहाँ का जो पिच है दोस्तों वो सबसे पहली बात तो बैट्समैन को सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, बैट्समैन यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं।
और दूसरी बात, यहाँ पर पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। तो अपनी टीम में आप अगर बॉलर रखो तो पेसर्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना स्पिनर्स के तुलना में, ठीक है। थोड़ी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों इस मैदान के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर स्कोर रहता है, क्या क्या यहाँ पर सीन रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे कि पिछले चार मैच जो इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए हैं, ये वाला मैच आप देखोगे 29th ऑफ मार्च को खेला गया था, इसमें राजस्थान रॉयल्स 61 रन से जीती थी और जो स्कोर था वो ऐसा कुछ गया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो यहाँ पर स्पिनर्स और पेसर के, अगर आप विकेट देखोगे तो 10 विकेट तो बने थे फास्ट बॉलर्स को और 3 विकेट मिले थे स्लो बॉलर्स को, यानी कि स्पिनर्स को, तो ऑफकोर्स फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिला। दूसरा मैच देखो भाई, दूसरे मैच में क्या हुआ, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर भी 14 रन से टीम जीत गई, यानी कि जिसने पहले बैटिंग की थी वो जीत गई, और पेसर और स्पिनर के आप विकेट देखोगे तो यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स की तुलना में 10 विकेट ज़्यादा मिले, 10 विकेट, ठीक है। तीसरा मैच जो 6 अप्रैल को खेला गया था, इसमें KKR जीती थी 5 विकेट से, यानी कि जिस टीम ने चेस किया था वो जीती थी, और यहाँ पर अगर आप विकेट देखोगे तो स्पिनर्स को पेसर्स की तुलना में आधे विकेट मिले, यानी कि फास्ट बॉलर्स को वापस ज़्यादा विकेट मिले। और 9 अप्रैल को खेला गया था, ये भी चेस करने वाली टीम जीती, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स की तुलना में 1 विकेट ज़्यादा मिला, मतलब मिला तो है कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कंक्लूजन निकालते हैं इस मैदान के बारे में। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो अपनी टीम में फास्ट बॉलर्स को प्रीफर करना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप स्कोर देखोगे यहाँ पर तो 150 के समथिंग स्कोर बना, लेकिन ये देखो आराम से चेस हो गया था 18 ओवर्स में, यानी कि ज़्यादा भी स्कोर जा सकता था। अगर ये टीम पहले खेलती तो 170-180 जा सकता था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप तो 16 ओवर में ही 160 बन गए थे, यानी कि मैं मान लूँ कि 20 ओवर में 200 के समथिंग जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो 200 यहाँ पर तो चला ही गया है, और ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 170 के समथिंग स्कोर गया है, मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैच में आपको 170-180 के समथिंग स्कोर देखने को मिल जाना चाहिए, और फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। टीम चेस करे चाहे पहले बैट करे, दोनों का दो दो का स्कोर है, लेकिन रात का टाइम है तो ड्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है, ठीक है। थोड़ी बात करते हैं दोस्तों हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो देखो रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं, मुंबई इंडियंस की तो काफ़ी ख़राब है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, 4 मैच इस सीज़न में खेले हैं, चारों के चारों हारे हैं, एक भी मैच नहीं जीता है, और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठे हैं। पहले चेन्नई बैठी थी, लेकिन चेन्नई कल वाला जो मैच था वो जीत गई थी, तो इनसे एक स्थान ऊपर आके बैठ गई। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब ने 4 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारी है, और पॉइंट्स टेबल में 7th पोजीशन पर बैठी हैं। इनकी भी पोजीशन थोड़ी टाइट है, इनको भी सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यार IPL 2021 में 2 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए, एक मैच मुंबई ने, एक मैच पंजाब ने जीता। ओवरऑल आप देख लो 15 मैच मुंबई ने, 13 मैच पंजाब ने, मतलब कि बराबर सा ही रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो मुंबई की टीम है उसकी जो हालत है वो थोड़ी सी मेरे को ख़राब लग रही है, ठीक है। और दोस्तों देखो यार, आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया स्टार्टिंग से लेके अब तक, मतलब डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है, तो यार मेरे लिए एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को अच्छा लगेगा, आपका कोई चार्ज या टाइम नहीं लगेगा, देखते देखते दबा देना, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा, 5,000 आप लाइक कंप्लीट कर दोगे। दोस्तों बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की, कुछ भाइयों को जानना होता है कि भाई कौन सी टीम इस मैच में जीत सकती है, तो मेरे हिसाब से तो यार दोनों टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर सी है, लेकिन जीतने की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई इंडियंस के 55% चांस और पंजाब किंग्स के 45% चांस, मतलब कि लगभग बराबर से ही चांस इस मैच में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो चांस है वो टॉस के बाद मैं आपको और बताऊंगा एक बार टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रख लेना। बात करते हैं दोस्तों देखो माई 11 सर्कल के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको प्रॉफिट देता है बिना कुछ लिए, मतलब एक तरीके से सबसे पहला प्रॉफिट 1500 रुपये तक का साइन अप बोनस माई 11 सर्कल की। दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दूंगा, उस लिंक से डाउनलोड करते ही पहला बेनिफिट 1500 रुपये तक का साइन अप बोनस, दूसरा बेनिफिट 20% एक्स्ट्रा कैश, एक कूपन कोड है सपोर्ट अपना ही है, ठीक है, उसको लगाओगे 20% एक्स्ट्रा कैश आपको मिलेगा। तीसरी बात दोस्तों, बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट वहाँ पर चलते हैं, जिसका बेनिफिट होता है कि आपने एक्सपर्ट को बीट किया और 5 गुना आपकी एंट्री फीस की प्राइज आपको मिल जाती है। और चौथा है इंडियास बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज, कभी 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़ रुपए भी वहाँ पर ग्रैंड लीग की फर्स्ट प्राइज होती है, तो ग्रैंड लीग के शौकीन जो भी हैं अपने भाई लोग वो वहाँ पर खेल सकते हैं। माई 11 सर्कल की दोस्तों डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया हो वो कर सकता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियंस के टीम न्यूज़ के बारे में, दोनों टीम्स की तरफ से
कुछ ऐसी टीम न्यूज आ रही है जिनका आपको जानना जरूरी है और मैं बता दूंगा, दो मिनट आप ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो क्योरन पोलार्ड आपके इस मैच के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड ही कुछ होता है। इनके अगेंस्ट हाईएस्ट तो इनकी स्ट्राइक रेट है, 219 की स्ट्राइक रेट के साथ पंजाब किंग्स के बॉलर को मारते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पिछली बार पंजाब किंग्स की टीम अलग थी, इस बार अलग है। पिछली बार बॉलर्स अलग थे, इस बार अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो एवरेज है वो भी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 100 से भी ज़्यादा का है, तो ध्यान रखना, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चेंज आपको मुंबई इंडियंस की टीम में देखने को मिल सकता है, फेबियन एलन जो कि नहीं खेले हैं अभी तक, लेकिन इस मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि पंजाब की जो बैटिंग है उसमें राइट हैंड बैट्समैन थोड़े ज़्यादा हैं जिनको ये प्रॉब्लम कर सकते हैं अपनी बॉलिंग के साथ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मुंबई की जो बॉलिंग है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आप देख सकते हो इन्होंने 9.60 की इकोनॉमी रेट के साथ बहुत ज़्यादा रन ठुकवाए हैं, तो इनको अपनी जो बॉलिंग है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ऑफकोर्स। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो ईशान किशन का है, ईशान किशन दोस्तों आईपीएल 2020 के बाद, अभी 2022 चल रहा है, ओपनिंग जब जब करते हैं पावर प्ले के अंदर आउट नहीं हुए, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इनको आउट कर सकते हैं राहुल चाहर, इनको पावर प्ले में आप बॉलिंग करते हुए देख सकते हो, ध्यान रखना राहुल चाहर ईशान किशन को पावर प्ले में आउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों और कोई अपडेट आती है अपने पास अगर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से तो वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स की, अपन टीम न्यूज के बारे में मुंबई की बात कर ली है, अपने पंजाब की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो पंजाब किंग्स इस सीजन में अभी तक इस पर्टिकुलर मैदान में नहीं खेलेंगे, मुंबई खेल चुकी है तो थोड़ा सा एडवांटेज उनको ये हो सकता है कि उस वेन्यू के बारे में उन्हें थोड़ा ज़्यादा पता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों मुंबई जो है एक हैवी राइट हैंड बैट्समैन लाइनअप आपको बताया, तो राहुल चाहर उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से राहुल चाहर जो है अभी अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पहले जो है मुंबई में ही थे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो पुरानी टीम के प्लेयर थे वो अब नई टीम में आए हैं और पुरानी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुलदीप यादव उसका एग्जांपल हो जाते हैं, कल शिवम दुबे ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि पंजाब किंग्स ने ठोका तो बहुत अच्छा है, रन तो बहुत अच्छे बनाते हैं, 10 से भी ज़्यादा की इनकी जो है रन रेट रहती है, लेकिन इनकी इकोनॉमी रेट भी काफ़ी हाई है, ये ठुकते भी हैं, इनके बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर्स खराब हैं, कुछ ऐसा सीन इस टाइम पे पंजाब किंग्स का रह रहा है। और दोस्तों और कोई अपने पास न्यूज़ आती है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से तो वो भी आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उस चिंता मत करो। बात करते हैं दोस्तों हम अपने गिव अवे के बारे में, जैसा कि आपको पता है अपने हर वीडियो में दो गिव अवे रहते हैं, एक गिव अवे बोलो ऑलरेडी जीत के लेके जा चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया और कमेंट किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आए वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और वीडियो को देख के पैसा जीत के लेके चले गए। अगर आप आज लेट हो गए हो सबसे पहले लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आते ही सबसे पहले आके लाइक और कमेंट कर देना, फ्री के पैसे आप जीत सकते हो, ठीक है। जो दूसरा गिव अवे दोस्तों उसमें आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें आपसे मैं दो सवाल पूछूंगा, दोनों सवाल इस मैच से रिलेटेड होंगे जिनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अनलिमिटेड कमेंट करके, ठीक है। तो पहला सवाल है इस मैच में कितने प्लेयर ऐसे होंगे जो 15 से ज़्यादा रन इस मैच में बनाएंगे, ठीक है, 15 या 15 से ज़्यादा रन इस मैच में बनाएंगे। दोस्तों अपने गिव अवे के दो रूल भी हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, एक तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, दूसरा आपको हमारे वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, तभी आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों हम मुंबई इंडियंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, तो वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे होंगे। इनमें कोई भी चेंज होता है ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है, इनमें हो सकता है एक या दो प्लेयर का चेंज हो, तो वो जो भी चेंज होगा वो अपने को टॉस के बाद पता लगेगा और वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा अपनी फाइनल टीम शेयर करने से पहले। ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना अत्यंत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, फ्री का फायदा उठाओ भाई, ठीक है। अब इन दोस्तों प्लेयर की बात करते हैं, सबसे पहले तो डेथ ओवर में बॉलिंग कौन कौन करेगा, तो जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर में आपको करते हुए दिख जाएंगे, टाइमर मिल्स आपको डेथ ओवर में करते दिख जाएंगे, तो मेनली तो ये दोनों करेंगे, बजील दम्भी अगर एक आधा ओवर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं तो अपनी टीम में ऐसे कौन कौन प्लेयर हैं जो अपनी टीम में 100% रहेंगे, स्मॉल लीग की टीम में, स्मॉल लीग की टीम में 100% ईशान किशन रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे। तीसरी बात दोस्तों इनमें से जसप्रीत बुमराह अपनी टीम में रहने वाले हैं, ये भी कहीं नहीं जा रहे। हालांकि जसप्रीत बुमराह की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो ख़राब आई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक क्वालिटी बॉलर है इसलिए मैं अपनी टीम में रहूँगा। उसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा भी मोस्ट प्रोबेबली मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। तो ये जो चार प्लेयर मैंने आपको बताए ये अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे ही रहेंगे,
जो और प्लेयर हैं वो मैं अपनी दूसरी टीम से उठाऊंगा, तीन चार प्लेयर उसके बता दूंगा, और जो बचे हुए प्लेयर हैं जैसे कि मैंने आपको ये चार फिक्स कर दिए, दूसरी टीम से भी तीन चार फिक्स कर दूंगा। उसके बाद जो दो तीन प्लेयर बचते हैं वो टॉस के बाद डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो टॉस के बाद जो भी न्यूज आती है उसके हिसाब से बाकी के प्लेयर डिसाइड होते हैं और वो आपको मैं बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों मुंबई इंडियंस के प्लेयर के एकदम डिटेल में बात करते हैं एक एक प्लेयर की। तो सबसे पहले रोहित शर्मा आ जाते हैं। रोहित शर्मा की दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखो, ये तो है आईपीएल 2021 तक की इनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस। 214 मैच खेले हैं और 5600 से ज़्यादा रन है, 31 प्लस का बैटिंग एवरेज 2021 तक, ठीक है। अब 2022 में दोस्तों चार मैच इन्होंने खेले हैं। पहले मैच में 41 रन आए थे, अच्छी पारी आई थी, दूसरे मैच में खराब पारी, तीसरे मैच में खराब पारी, और चौथे मैच में यानी कि लास्ट मैच में 26 रनों की एक डिसेंट पारी इनके बल्ले से आई, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ईशान किशन, इन्होंने तो भाई कतई कहर ही मचा रखा है। पहले मैच में 81, दूसरे मैच में 54 पे तीसरी पारी जो है खराब रही, और चौथी पारी में यानी कि लास्ट मैच में वापस इनको एक अच्छा स्टार्ट मिला। डेविड ब्रावीस दोस्तों एक अच्छे जो है प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका, 29 रन इन्होंने अपने पहले मैच में खेले और दूसरे मैच में 8 रन पे आउट होकर चले गए थे, लेकिन बॉलिंग मिली, बॉलिंग के साथ एक विकेट इन्होंने लिया, ठीक है। एक आधे ओवर फेंकेंगे, एक या दो ओवर अगर फेंकेंगे, नहीं तो नहीं भी फेंके, कोई जरूरी नहीं है। सूर्य कुमार यादव भाई पिछले दो मैच से खेल रहे हैं, आग लगा रखी है, ये तो आपकी टीम के लिए काफ़ी शानदार पिक हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, ठीक है, एक डिपेंडेबल प्लेयर है। उसके बाद तिलक वर्मा दोस्तों चार मैच खेले हैं, पिछले मैच में जरूर डक पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले आप तीन मैच देखोगे तो तीन मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। तिलक वर्मा भी एक टैलेंटेड यंग मैन है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर्स के बारे में, तो क्योरन पोलार्ड आज के इस मैच के आपके ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है अभी थोड़ी देर पहले, क्यों हो सकता है उसका रीजन भी दे दिया, ठीक है। इनके अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो वो जरूर थोड़ी खराब रही है, तो हो सकता है मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में इन्हें नहीं रखूं, लेकिन ग्रैंड लीग की अगर आप टीम बना रहे हो तो उसमें बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद फेबियन एलन दोस्तों इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, पहले नहीं खेला है। उसके बाद दोस्तों मुरुगन अश्विन, चार मैच में टोटल चार विकेट हैं और दो मैच इनके विकेट लेस गए हैं। उसके बाद दोस्तों टाइमल मिल्स, पिछले मैच में खेला नहीं था, उससे पहले जो है तीन मैच खेले और तीनों मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए विकेट निकाला। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ जसप्रीत बुमराह की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ी खराब आ रही है, क्योंकि चार मैच में सिर्फ एक मैच में ही विकेट निकाले हैं, तीन मैच इनके विकेट बिना गए हैं, ठीक है। और बजील दम्पी का भी सेम है, इन्होंने भी चार मैच में सिर्फ एक मैच में विकेट निकाले हैं, तीन मैच इनके विकेट प्लेस गए हैं। तो एक तरीके से देख लेना, ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में आप ड्रॉप कर सकते हो जसप्रीत बुमराह को, लेकिन स्मॉल लीग की टीम में आई थिंक रखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि प्लेयर ही काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपनी पंजाब किंग्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ये जो आप प्लेयर देख पा रहे हो ये आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। वही बात है, इनमें एक या दो प्लेयर का चेंज हो सकता है, टॉस के टाइम पे अपडेट आएगी, वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं दोस्तों इन्हीं सारे प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ डेथ ओवर बॉलर्स, तो डेथ ओवर में आपको एक तो कगिसो रबाड़ा दिख जाएंगे, ऑडियंस में तो एक आधा ओवर डाल सकते हैं। उसके अलावा इनमें से अर्शदीप सिंह, ठीक है, ये कुछ आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी जो मेन चीज़ है कि अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं जो फिक्स हैं, अपनी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, तो उनमें एक तो शिखर धवन फिक्स हैं, अपनी टीम में रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, स्मॉल लीग की टीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लियम लिविंगस्टोन एकदम फिक्स है, कहीं नहीं जा रहे। उसके अलावा कगिसो रबाड़ा फिक्स है और राहुल चाहर फिक्स है, ये चार फिक्स कर रहा हूँ, अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे ही रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों मैं जोनी बेस्टो को भी रखूंगा, एक काम करते हैं फिक्स कर देता हूँ, पाँच ये जो प्लेयर है ना अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे। मैंने दोस्तों पाँच प्लेयर इस टीम से आपके लिए फिक्स किए और चार प्लेयर उस टीम से आपके लिए फिक्स किए मुंबई की तरफ से, तो ये नाइन प्लेयर जो है मैंने फिक्स कर दिए हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे ही रहेंगे, कहीं भी नहीं जा रहे। कितने प्लेयर बचे? दो प्लेयर और बचे, ठीक है। वो दो प्लेयर कब डिसाइड होंगे? टॉस के टाइम पे भाई, टॉस हो जाने दो, अपडेट आ जाने दो, फाइनल प्लेइंग 11 आ जाने दो, फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाने दो, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, वो भी टॉस के बाद ही पता लगेगा, तो वो सारी अपडेट आ जाने दो। आपके साथ बचे हुए दो प्लेयर ऐड करके अपनी जो फाइनल टीम है एकदम फाइनल, जिससे मैं खेलूंगा, जिससे मेरे बाकी के सब्सक्राइबर खेलेंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन करना मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा जरूरी है, नहीं किया हो कर लेना, दो सेकेंड लगेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम पंजाब किंग्स के सारे प्लेयर के बारे में, एक एक प्लेयर की बात करेंगे। शिखर धवन की अगर दोस्तों मैं रिकॉर्ड वगैरह तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2021 तक का रिकॉर्ड है। 2022 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले चार मैच में, पहले मैच में 43, दूसरे मैच में 16, तीसरे मैच में 33 और फिर 35, अच्छी पारी खेल रहे हैं भाई, हर मैच में एक बड़ी पारी की बस आज से जो कि कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मयंक अग्रवाल अभी तक नहीं चले हैं, पहले मैच में 32, उसके बाद 5 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इस मैच में भी मुश्किल है कि मयंक अग्रवाल चलेंगे, रीज़न आपको आगे जब मैं प्लेयर बैटल बताऊंगा
तब पता लग जाएगा, ठीक है। जॉनी बेस्टो की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो पिछले मैच में खेलने का मौका मिला, बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हो सकता है इनकी जगह भानु का राज्यपक्ष आपको खेलने का खेलते हुए दिख जाए, लेकिन मेरे को उसके चांसेज थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि वो बंदा फॉर्म में है, ये बंदा अभी हो सकता है फॉर्म में नहीं हो, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा तो मौका दिया जाएगा। भाई 6-7 करोड़ खर्च किए हैं इस बंदे के ऊपर। उसके बाद दोस्तों लियम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, स्टार्टिंग के 2 मैच एवरेज परफॉर्मेंस, उसके बाद जो लास्ट के 2 मैच हैं उसमें कतई आग लगा रखी है, ठीक है। और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके अच्छे चॉइस भी हैं, लियम लिविंगस्टन अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट आने दो, मेरे को पता लग जाएगा कि लियम लिविंगस्टन इस मैच में बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके हिसाब से हम और मैनेज कर लेंगे, ठीक है। शाहरुख खान दोस्तों एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ो उनको, ठीक है। आगे आते हैं, अच्छा ठीक है। उसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा एक अच्छे प्लेयर हैं, पिछले 2 मैच में 26 और 23 की पारी खेल चुके हैं, ये आपके लिए मैं कहूँगा कि ग्रैंड लीग के प्लेयर, ठीक है। ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि जल्दी इनकी बैटिंग आ गई तो फिर ये बड़ी पारी भी खेल सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस में दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 4 मैच में टोटल 2 विकेट लिए हैं और बैटिंग के साथ भी कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, ठीक है। इन्हीं के तो मारे थे उसने, क्या नाम है, टेवटिया ने 2 छक्के 2 बॉल में, तो वही बात है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है ऑडियंस स्मिथ की। उसके बाद दोस्तों कगिसो रबाड़ा एक डेफिनेटली अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, 2 मैच में करके भी दिखाई है और बॉलिंग में 4 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो डेफिनेटली कगिसो रबाड़ा टीम में रहेंगे। अक्षयदीप सिंह उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं इस IPL में। वैभव अरोड़ा की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पिछला बैच विकेटलेस, उससे पहले 2 विकेट लिए थे। और राहुल चाहर तो खैर एक विकेट टेकिंग मास्टर है ही हैं, तो राहुल चाहर को तो रखना ही रखना है। दोस्तों ये सारे प्लेयर के जो डिटेल है मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ डाउट हो तो वापस देख सकते हो या फिर कॉमेंट में पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। अपने गिव अवे का दोस्तों जो दूसरा सवाल है इस साइड है, ठीक है, वो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि शिखर धवन इस मैच में कितने रन बनाएंगे, साथ ही साथ इनका जो विकेट है वो कौन लेगा। दोनों सवाल हो गए, एक सवाल मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ वो 15 रन वाला, दूसरा सवाल ये रहा। दोनों सवालों का जवाब आपको एक कमेंट में देना है, ऐसा नहीं कि एक कमेंट में इसका दे रहा हूँ एक इसका दे रहा हूँ, दोनों का जवाब एक सिंगल कमेंट में होना चाहिए और वो जो कमेंट है वो आप चाहे अनलिमिटेड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अपने गिव अवे के रूल हैं ये आपको फॉलो करने हैं, चालू हो जाओ कॉमेंट में गिव अवे के जवाब दे सकते हो। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स के बारे में, और जैसा कि आपको बताया प्लेयर बैटल काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी अपना जो ध्यान है ना वो इधर उधर मत करना, क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छा जिता सकते हैं। सबसे पहला प्लेयर बैटल दोस्तों, अगर ध्यान रखना, अगर पंजाब किंग्स की जो टीम है संदीप शर्मा को खिलाती है तो फिर ये वाला जो गेम है ये पूरा ही पलट सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर है मुंबई इंडियंस के बैट्समैन और पंजाब किंग्स के बॉलर, इन दोनों के बीच का प्लेयर बैटल है, ठीक है। अगर संदीप शर्मा खेलते हैं तो ये पूरा का पूरा मैच पलट सकता है, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर नॉर्मल, ठीक है। और वो कैसे पलट सकता है ये आप देख लो, ये 4 प्लेयर बैटल जो संदीप शर्मा को इंक्लूड करते हैं। संदीप शर्मा क्या करते हैं, रोहित शर्मा को परेशान करते हैं, सूर्य कुमार यादव को परेशान करते हैं, ईशान किशन को परेशान करते हैं, सिर्फ क्योरन पोलार्ड एक ऐसे बैट्समैन है जो कि संदीप शर्मा को परेशान करते हैं। ध्यान रखना, अगर वो खेलते हैं संदीप शर्मा तो फिर मुंबई का जो टॉप ऑर्डर है उसको खतरा है, अच्छा वाला खतरा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो 3 प्लेयर बैटल हैं जो कि आपको इस मैच में 100% दिखने वाले हैं, वो है तीनों के तीनों रबाड़ा को इंक्लूड करते हैं। और इसमें क्या है, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्योरन पोलार्ड। सूर्य कुमार यादव और कगिसो रबाड़ा का क्या प्लेयर बैटल आपको दिख पा रहा होगा, 32 बॉल में 42 रन सूर्य ने बनाए हैं, 2 बार अपना विकेट दे दिया है। ऐसे ही अगर मैं ईशान किशन की बात करूँ तो 30 बॉल में 57 रन और 1 बार विकेट। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर ईशान किशन परेशान नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि 32 बॉल में 57 रन बना दिए, 1 बार विकेट दिया है। यहाँ पर परेशान हुए हैं कगिसो रबाड़ा, यानी कि ईशान किशन पावर प्ले के अंदर कगिसो रबाड़ा को मार सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और क्योरन पोलार्ड और कगिसो रबाड़ा की आप देखो तो क्योरन पोलार्ड को कगिसो रबाड़ा ने परेशान जरूर किया है। तो ये सारे प्लेयर बैटल हो गए, संदीप शर्मा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, फाइनल प्लेइंग 11 आने दो आपको, मैं खुद ही बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ पंजाब किंग्स के बैट्समैन और मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के बारे में, तो सिर्फ 2 प्लेयर बैटल हैं और इनमें दोनों में मयंक अग्रवाल इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि मयंक अग्रवाल इस मैच में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करें जितना बड़ा उनका नाम है। क्यों नहीं करें, जसप्रीत बुमराह के आगे दोस्तों 3 बार अपना विकेट गंवा चुके हैं मात्र 14 बॉल में, एक रीजन तो ये हो जाता है। दूसरा रीजन दोस्तों, क्योरन पोलार्ड के सामने गंवाया तो सिर्फ 1 बार अपना विकेट है, लेकिन इनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी देखो, 19 बॉल में मात्र 15 रन बनाए हैं, इसीलिए क्योरन पोलार्ड के आगे भी ये स्ट्रगल करते हैं और जसप्रीत बुमराह के आगे तो खैर करते ही करते हैं, तो यहाँ पर इनका विकेट जा सकता है। अब एक बार शुरू से देखो, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको पिच रिपोर्ट बता दी, मैंने इस वेन्यू पर खेले हुए रिसेंट मैच बता दिया,
मैंने आपको इन दोनों टीम्स के विनिंग चांसेस बता दिए, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, रिसेंट परफॉर्मेंस बता दी, आपको टीम न्यूज़ बता दी, आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बता दी, दोनों टीम्स के सारे प्लेयर का एक एक का रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया और दोनों टीम्स के प्लेयर बेटर बता दिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जब आप अपनी टीम बनाओगे तो डेफिनेटली यार आपकी जो टीम है वो बेस्ट से बेस्ट बनेगी। अब दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक डेमो टीम दिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए एक वार्निंग मैं देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं इसी टीम को फाइनल कर देते हैं, ये इस टीम को फाइनल मत करना, ये सिर्फ एक डेमो टीम है, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखा जरूर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसी टीम इस मैच में बनेगी, लेकिन अपनी जो फाइनल टीम होगी उसका वेट करना, जो कि आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, ठीक है। उसका वेट आपको जरूर करना है क्योंकि उसमें अपडेट होंगे, अपनी डेमो टीम में कुछ अपडेट होंगे, कुछ प्लेयर निकलेंगे, कोई नए प्लेयर आएंगे और उसको लेके आप अपनी फाइनल टीम कर सकते हो, ठीक है। तो उस फाइनल टीम का वेट करना, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, जाके ज्वाइन कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी डेमो टीम की, तो ये आपके सामने अपनी डेमो टीम दिख रही होगी। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात विकेट कीपर सेक्शन से ईशान किशन, जिसको मैंने फाइनल किया था अभी थोड़ी देर पहले, अपनी टीम में है। जोनी बेस्टो अपनी टीम में है, ठीक है। तिलक वर्मा एज है, ट्रंप कार्ड मैंने अपनी टीम में रख लिया क्योंकि भाई अच्छी परफॉर्मेंस जब कर रहा है और तिलक वर्मा एक यार यंगस्टर है, नंबर 3 पर या फिर नंबर 5 पर बैटिंग करेगा तो डेफिनेटली मैंने कहा रख लेते हैं, ठीक है। अगर तिलक वर्मा की जगह आपको रखना है क्योरन पोलार्ड को तो रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन अपनी टीम में है, सूर्य कुमार यादव अपनी टीम में है, रोहित शर्मा अपनी टीम में है, लियम लिविंगस्टन अपनी टीम में है, राहुल चाहर अपनी टीम में है, कगिसो रबाडा अपनी टीम में है, जसप्रीत बुमराह अपनी टीम में है और जो एक्स्ट्रा है वो टाइमल मिल्स अभी के लिए मैंने रखा है, जो कि इस मैच में आपको खेलते हुए दिख सकता है। अगर टाइमल मिल्स नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह आपको दिखेंगे जयदेव उनाडकट, जिनको मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा। अगर जयदेव उनाडकट खेलते हैं तो इनको हटाऊंगा यहाँ से, क्योरन पोलार्ड या फिर डेविड ब्रेविस को मैं अपनी टीम में रख लूंगा। तो कुछ ऐसे चेंजेस अपनी टीम में हो भी सकते हैं और जो भी चेंजेस होंगे, जो भी फाइनल टीम होगी, वो आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर भी दूंगा। दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो वीडियो अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जिस भी भाई ने वीडियो को यार लाइक अभी तक भी नहीं किया हो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो यार, एक सेकंड भी नहीं लगेगी, मेरे को अच्छा लगेगा, आपके लिए बेटर से बेटर टीम मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जिसने भी लाइक नहीं किया हो एक सेकंड लगेगी मेरे भाई कर देना। और हाँ आपके फायदे की चीज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे आपके साथ सारी अपडेट आएंगी और जब आपको अपडेट मिलेंगी तो ऑफकोर्स आपकी जो विनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, ये क्या हो गया है, ठीक है आ जाओ यहाँ पर दोस्तों। कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ इतनी 11 प्लेयर में, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आपके एक तो ईशान किशन चॉइस हो जाते हैं, लेकिन इनको राहुल चाहर से थोड़ा खतरा है। अगर पावर प्ले में राहुल चाहर नहीं करते हैं तो पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर ये कर देगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक अच्छी चॉइस है, शिखर धवन एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। जोनी बेस्टो एक रिस्की चॉइस है, इनको चाहे से रहने देना, लियम लिविंगस्टन को लेके आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। रोहित शर्मा भी एक बड़े नाम है, तो इनमें एक तरीके से बहुत सारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज हैं आपके लिए। जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज होंगी वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।